एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके और हमको भाई साहब डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ इन 0 to 2 वेयर एफ एक्स इज दिस वेयर ग्रेटर देन ग्रेटर देन खतरनाक 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 चलो बात करते हैं हमको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात करनी है केवल छोटे से इंटरवल में 0 से 2 इंटरवल के लिए मैंने आपको क्या बोला है सबसे पहले इंटरवल में वो पॉइंट निकालिए जहां डिसकंटिन्यूटी आ सकती है सबसे पहले इंटरवल में वो पॉइंट निकालिए जहां डिसकंटिन्यूटी आ सकती है सोचो सोचो तो अब इसमें सोचो कहां कहां डिसकंटिन्यूटी आ सकती है उसके लिए तरीका बताया हुआ है आओ इस फंक्शन को जरा ध्यान से देखो आओ इस फंक्शन को जरा ध्यान से डिफाइन कर ले ध्यान देखो यार 0 से 2 में बात करनी है कहां से कहां बात करनी है 0 से 2 में मेरी मदद करो ये जो एफ एक्स दे रखा है इसमें ये कॉस पाई एक्स आ रहा है अब इसकी बात करते हैं 0 से 1 में हम बात करेंगे कॉस पाई एक्स की अच्छा कॉस का इनपुट एक्स तो है नहीं कॉस का इनपुट तो पाई इंटू एक्स अब सोचो अगर एक्स 0 से 1 वेरी करेगा तो पाई एक्स 0 से पाई वेरी करेगा 0 से पाई में अगर कॉस का ग्राफ देखें 0 पाई बाई 2 और ये रहा पाई पूरा डिफाइन कर रहा हूं अब आप मेरी मदद करिए थोड़ी सी मदद चाहिए होगी आपकी अगर हम शुद्ध x इक्वल टू 0 पर बात करें तो ये cos 0 शुद्ध 1 हो जाएगा शुद्ध 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा लेकिन यहीं पर अगर आप 0 से हाफ तक बात करेंगे और हाफ को इंक्लूड भी कर सकते हैं आइए बात करें अब सुनो जब x 0 से हाफ तक वेरी करेगा तो जो cos के अंदर वाला एंगल है वो 0 से पाई बाई 2 तक वेरी करेगा क्योंकि अंदर वाला एंगल x नहीं है बचुआ पाई इंटू एक्स है तो 0 से यहां तक वेरी करेगा अब जब वो वेरी करेगा 0 से पाई बाई 2 में तो 0 से पाई बाई 2 का cos एक पॉजिटिव संख्या होगी 0 से 1 के बीच में तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा कितना आ जाएगा 0 अगर x 0 से हाफ में वेरी करेगा तो पाई इंटू एक्स जो एंगल कहां से कहां वेरी करेगा एंगल वेरी करेगा 0 से पाई बाई 2 अरे पाई से मल्टीप्लाई कर लो अब 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट का cos 0 से 1 के बीच में और 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 अब आ जाइए यहां पर हाफ से आगे बढ़ते हैं अगर आप हाफ से 1 तक जाते हैं अब सोचो जैसे आप हाफ से आगे बढ़े तो पाई इंटू एक्स ये पाई बाई 2 से पाई तक जाएगा पाई इंटू एक्स पाई बाई 2 से पाई तक जाएगा पाई बाई 2 से पाई तक जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू 0 से माइनस 1 के बीच में रहेगी तो पूरे टाइम कितना हो जाएगा माइनस 1 ये मैंने डिफाइन कर लिया किसको डिफाइन कर लिया इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को ज्यादा लंबा चौड़ा था नहीं 0 से 1 में अब आइए 1 से आगे बढ़े 1 से आगे बढ़ेंगे तो यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है और 4x माइनस 5 आ रहा है तो जो मोड के अंदर वाली क्वांटिटी कहां 0 जाएगी मोड के अंदर क्या लिखा हुआ भाई मोड के अंदर 4x माइनस 5 लिखा है भाई 4x माइनस 5 कहां पर 0 जाएगा 4x माइनस 5 0 जाएगा 5 बाय 4 पर x इक्वल टू 5 बाय 4 पर चलो बात करें x इक्वल टू 5 बाय 4 पर तो 5 बाय 4 पर 0 जाएगा तो हम पहले अब बात करेंगे 1 से 5 बाय 4 देखो 1 से 5 बाय 4 के बीच में बात करोगे तो x जो होगा 5 बाय 4 से छोटा होगा तो 4x माइनस 5 नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा देखो 4x माइनस 5 पॉजिटिव कब कब होगा जब x 5 बाय 4 से बड़ा हो तो अभी x क्या है 5 बाय 4 से छोटा है तो 4x माइनस 5 नेगेटिव हो जाएगा एक बात और 1 से 5 बाय 4 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x वैल्यू तो 1 ही रहेगी तो यहां ये खुलेगा माइनस टाइम्स 4x माइनस 5 क्योंकि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो माइनस साइन साथ खुलेगी अब आ जाइए अब यहीं पर हम बात करेंगे 5 बाय 4 से 2 तक अब जब 5 बाय 4 से 2 तक आप जाते हैं तो पहली चीज तो कि मॉडो के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव आता है लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर की अभी भी वैल्यू कितनी होगी 1 क्योंकि 2 से यानी 1 से जरा से बड़ा 2 से छोटा तो 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 ही आएगी तो यहां पर खुलेगा भाई साहब 4x माइनस 5 बस और एक आखिरी अगर x को शुद्ध 2 रख दोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर शुद्ध 2 हो जाएगा 4 2 जा 8 8 माइनस 5 3 3 2 जा 6 पहले मैंने फंक्शन को भली भांति डिफाइन कर लिया अब देखो देखना कितना आसान है एक डिसकंटिन्यूटी तो x इक्वल टू 0 पर आ रही है x इक्वल टू 0 पर क्यों आ रही है क्योंकि जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है 0 से चिन्हन मिनन बड़े पर वैल्यू आएगी 0 जबकि शुद्ध 0 पर वैल्यू आ जाएगी 1
दूसरी डिसकंटिन्यूटी x इक्वल टू हाफ पर आ रही है। हाफ पर देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 है जबकि राइट हैंड लिमिट माइनस 1 है। 5/4 पर डिसकंटिन्यूटी नहीं आ पाएगी क्योंकि 5/4 पर इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है। अगली डिसकंटिन्यूटी आएगी 2 क्योंकि शुद्ध 2 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन 6 है जबकि 2 पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 4 × 2 = 8 - 5 = 3 ही आएगी। तो 3-3 है इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पहले मैंने क्या किया, फंक्शन को अच्छे से डिफाइन कर लिया, सारे पीस वाइज फंक्शन हटा लिए, फिर हमने बात की उसकी कंटिन्यूटी। कॉपी कर लीजिए।